अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिसेस परिन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ मैं ठीक हूँ और यहाँ हो रहा है रियान रेडी, तैयार हो रहे हैं। क्या हो गया? अच्छा बंद कर रही हूँ। और वहाँ जा रहे हैं शकील बाहर की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ। शकील गाड़ी को रेडी कर रहे हैं, बैटरी वैटरी लगा रहे हैं, बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये साइड में से नज़र आ रही है, बच्चे जा रही हैं स्कूल वगैरह जा रहे हैं। ये बस अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हो रहा है रक्षा स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक्षा गर्म कर रहे हैं, गर्म होने फिर चलेंगे। कैसे निकालते हैं यहाँ से, निकालेंगे सीधा। अच्छा जी चल दिए ये। यहाँ पे उम्र खैर भी उड़ गई हैं, सो क्या कह रही हैं, आपने कहा था जल्दी उठ जाना। मैंने कहा था जल्दी, ये मतलब था मेरा कि 12 बजे तक उठ जाना। अब ये 1 बजे तक उठती है ना, तो मैंने इनसे कहा था 11-12 बजे तक उठ जाना। ये बहुत ही जल्दी उठ गई। जल्दी मतलब इतनी जल्दी नहीं कहा था मैंने उम्र खैर आपसे। थोड़ा सो जाना भी सही है, फिर उठ जाना बाद दोबारा, सही है। 12 बजे तक नाश्ता करके भी सो जाना, सही है। चलो सही है। मुँह हाथ धो, मुँह धो लो, गंदा मुँह हो रहा है आपका बहुत। क्या निकाल रही हूँ मुँह से, होठों से। चलो रियान यहाँ पे रख रहे हैं अपनी कॉपीज स्कूल की। जल्दी से रखिए बेटा, जल्दी जल्दी अपनी टाइम टेबल रखिए, फिर चलिए। हैं आपको शूज़ भी पहनने। वो मैं फ्रूट्स लेके आई हूँ रात में न्याज के लिए, वो न्याज का फ्रूट है, अभी हम लोग शाम में काटेंगे। नहीं बेटा फ्रूट्स हैं, ऑरेंज है, ऑरेंज। हाँ अभी नहीं खाना, सुबह सुबह नहीं खा। हाँ न्याज के शाम को खाएंगे, सही। आज रात शाम को। मम्मा लेके आई थी कल रात को फ्रूट, आज खाना है, शाम को खिला। अच्छा जी यहाँ पे रियान रेडी हो चुके हैं। रियान जल्दी आओ। मम्मा डायरी डायरी दो से लेना भूल गया। एक मिनट एक मिनट, शूज पहन के कहाँ तक घूम रहे? उधर जाओ उधर जाओ, शाबाश। क्या बोल रही हूँ, तारीफ करोगे अब भाई की। चलो जी जा रहे हैं, पानी की बोतल लो, कॉट कार्ड सही करो। वालेकुम सलाम। जाओ जी। यहाँ पे उम्र खैर सो गई है, मैंने इनको सुला दिया है और अब मैं जा रही हूँ जर्दा बनाने। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जर्दे की तैयारी। अच्छा जी मैं यहाँ पे सुबह में यूँ बना रही हूँ, गैस की वजह से अभी फ़िलहाल गैस आ रही है, पता नहीं आए नहीं आए। यहाँ हमने कर लिया पानी बॉयल, ठीक है। और यहाँ रखे हैं जर्दे के चावल। ये चावल है इस कप के हिसाब से, 2.5 कप तकरीबन, आधा किलो चावल है। और अब मैं इनको पानी में डाल देती हूँ। और मैंने पानी में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं डाला, लौंगे वगैरह डालते हैं लेकिन मैंने आज कुछ नहीं डाला। फिर चावल अब इसमें डालते हैं। मैंने यहाँ चावल डाल दिए हैं, इसको मैं हल्का सा चला देती हूँ और फिर उसके बाद इसको कवर कर देती हूँ। और इसको मुझे फुल डन करना है, हाफ डन नहीं करना, क्योंकि मैं ना वह एक कनी नहीं छोड़ना। देखें कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको मैं फुल डन कर देती हूँ, पहले इसको कवर कर देती हूँ। और अभी मैं जब ये डन हो जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे मैं आपको चावल की वो दिखा दूँ कि फुल डन हो गए। एक मिनट यहाँ रखते हैं इसको, ये देखें हाँ तकरीबन हो गए। एक मिनट हाँ हो गए, बस इनको मैं उतारती हूँ, इनको निथारते हैं, इसमें यहाँ निकालते हैं। ग्रीन प्यारे भी मैं इसमें बना लूँगी, मेरी कढ़ाई है इसमें मैं बना लेती हूँ। सोच रही इसमें बना लूँ या फिर ये पतीला रखा ना इसमें बना लेती हूँ। इसमें ना खुला खुला बन जाएगा तो मैं सोच रही इसमें ही बना लेते हैं। बस पहले चावल निकालते हैं, चावल को हो गया टाइम पूरा कंप्लीट, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला, मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब मैं सोच रही हूँ ये मैंने ड्राई फ्रूट यहाँ कटिंग करके रखा था, थोड़ा सा इसमें से बस सॉटे करके निकाल लेती हूँ, हल्का सा इसको मिक्स करके निकाल लूँगी, थोड़ा सौंधा सौंधापन आ जाएगा, बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बाकी मैं पत्ते में डालूँगी। अच्छा ये वाला थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बस इसको मुझे सॉटे करने के निकालना, हल्का सा चलेंगे बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल।
निकाल लूँगी, मैं भी निकालती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने देखें ये थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा ही लिया, बाकी मैंने ड्राई फ्रूट ऐसे ही रखा है। इसको मैं पत्ते में डाल, थोड़ा सा डाल। अब इसमें मैंने, इसी में सोच रही हूँ, अब अलग पैन नहीं, इसी पैन में थोड़ा घी डालते हैं जितना हमें ज़रूरत है हमारे। देखिए मैंने, और इसके अलावा मैंने ये तीन जगह कलर वाले चावल बना के रखे हैं, इसमें कलर डाल के ये वाइट वाले चावल जो मैंने निकाले ना, इन्हीं चावलों को थोड़ा मिक्स कर दिया, थ्री कलर्स हैं फूड कलर्स। और हम इसमें घी लेंगे तकरीबन, अगर मेरा आधा किलो चावल है ना, तो आधा किलो चावल में से आधे से भी आधा थोड़ा घी जाएगा, सही है। घी को गर्म करके फिर इसमें हम डालेंगे। देखें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, फिर भी अगर मुझे कम लगा तो मैं ऊपर से डाल दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे घी गर्म नहीं करना ज़्यादा। उसके बाद इसमें जाएगी चीनी, और चीनी जाएगी अगर ये ढाई कप मेरे उस हिसाब से, तो ये सवा कप मेरे जाएगी चीनी इसके अंदर, जो मैंने कप लिया है ना उस हिसाब से, एक ही कप के हिसाब से मुझे सारा काम करना है। बस अब मैं इसके बाद आपको डाल के दिखाती हूँ, सही है। चूल्हा जलाती हूँ और फिर इसके लौंगे डालती हूँ, फिर बताती हूँ। मैंने देखें लौंगे डाल दिए, पाँच, चार से पाँच लौंगे और तीन चार मैंने इलायची डाल दी। अब इसके फ़ौरन बाद घी गर्म ना हो इससे पहले मैं ये चीनी डाल दूँ, सही है। चीनी डालती हूँ, ये आधा किलो चीनी, आधा किलो नहीं पूरी डालूँगी, थोड़ा रोकूँगी इसको मैं। अच्छा यहाँ पर ना घी गर्म ना हो, और बस इसके अंदर बस थोड़ा सा मैं चीनी डाल दी है, मैंने चीनी के साथ टू टी स्पून बस पानी इसलिए डाल रही हूँ कि चीनी जले नहीं, थोड़ा सा पानी। अब इसको हम इतना पकाएंगे चीनी घुल जाएगा, जैसे चीनी घुलेगी इसके बाद हम चावल डाल देंगे। चलिए मैं आपको चीनी घुला के दिखाती हूँ, घुलने के बाद, उसके बाद चीनी के बाद हम डालते हैं चावल। यहाँ पे चीनी मेरी अच्छी तरह पूरी मतलब घुली नहीं थी, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। और अभी देखिएगा ये पानी देखें अपना छोड़ने लग गई, ये चीनी ने भी छोड़ा और चावल का जो पानी है ना वो भी इसमें अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा, अच्छा खासा पानी हो जाएगा। अब इस पानी को मुझे ड्राई करना है, जब तक ये पानी ड्राई हो रहा है फिर उसके बाद हम कलर डालेंगे, ठीक है। फिर दम पे रखेंगे, इसको और मीडियम टू लो पे नहीं, मीडियम टू हाई पे रखेंगे इसमें ना, ना हल्की हो ना तेज़ हो। जिसमें आप पानी चेक कर सकते हैं कितना पानी है, देखें अभी भी इसको मुझे खुश करना है, ये पानी ड्राई हो जाए बस। इसको हम दम पे रख देंगे, ये कलर वलर डाल के, ये तीनों कलर डाल के और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के फिर मैं इसको दम पे रख देती हूँ। मैंने तीनों कलर डाले थे ना, ये देखिए ये तीनों कलर मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको सिर्फ जो एक्सेस पानी जो है ना बस वो खुशक करने के लिए मैंने दम पे रख दिया है, जिसमें बाकी है, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने डाल दिया है, बाकी थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट रोका है। मैं इसको थोड़ी देर पाँच से दस मिनट इसको, क्योंकि मेरे ना चावल पूरे डन है तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा देर दम नहीं रखूँगी, और अभी जब हम लोग न्यास के लिए रखेंगे उस टाइम पे थोड़ा दम दे दूँगी, बाकी अभी जितना एक्सेस पानी है बस वो दम के लिए मैंने दम देना है, मुझे खुशक करना है पानी, और बस पाँच से सात मिनट। और इसके बाद ये ड्राई फ्रूट जो मैंने रोक के रखा है वो इसके ऊपर जाएगा, खोया है, इसके अलावा मैंने अभी यहाँ रखा नहीं है, फ्रिज में रखा हुआ, मैं आप लोगों को डाल के दिखाऊँगी, खोया है और जो इसके मतलब मेवा वगैरह जो इसके अलावा जो है मैं आपको फुल डन करके भी आपको दिखाऊंगी जब ये फुल डन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये दम के लिए रख गए हैं सात मिनट के लिए, पाँच से सात मिनट, सिर्फ एक जो एक्सेस पानी आपको मैं दिखा दूँ शायद नज़र आए, हल्का हल्का सा साइडों में पानी है, बस वो पानी ख़त्म हो जाए, दम आ जाए, एक दफ़ा इसमें भाप आ जाए बस, फिर हम शाम में इसको अच्छी तरह डन कर देंगे। जब अभी ये मैंने बनाया है शाम में न्याज के लिए बनाया है, अभी इसे मैंने यूँ बना दिया, मैंने यूँ बना के रखा है शाम की वजह से, क्योंकि शाम में भी मैं ना जैसे कुछ पढ़ना पढ़ाना होगा तो वो भी पढ़ूंगी, और अभी रेयान स्कूल से आ जाएंगे तो मुझे कुछ करने नहीं देते, फिर उनको ट्यूशन व्यूशन भी भेजना है, घर का काम भी करना है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ना सुबह का टाइम बना के रख दूँगी, बस सिर्फ दम देना होगा हल्का सा, तो मैं शाम में कर लूँगी न्याज का, मैं इसमें से निकाल दूँगी पहले, फिर उसके बाद जो है जो करना है वो हम लोग न्याज के लिए रख देंगे, बाकी हम लोग खा लेंगे घर के, वही सारा काम कर लिए। खाना जो है वो अम्मी से घर से बन के आ रहा है, मैंने अम्मी को बोला वो अम्मी बना के भेज रही है। दरअसल यहाँ पे मैं बना तो देती हूँ पर ये अमूल का तंग करती है ना, जिस वजह से मैंने कहा मैं आप वहाँ से बना के भेज दीजिएगा, तो वहाँ से अम्मी बना के भेज रही है। बस चलिए जी, और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी ना, तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम।
तमीज से, तमीज से जीप खुली, जीप खुली। हाँ कहते गंदे से लग रहे हो तुम, चलो कपड़े पहनो, मट्टी मट्टी चेंज करो कपड़े। दो बजे बोला टीचर ने, सही है? चलो सीधे तैयार हो, नहलाऊं तुम्हें? कहाँ नहीं जाओगे? अच्छा उतारो ये बैग, उतारो। सही है, 4 बजे चले ना, फिर मैं आपको कब्रिस्तान नहीं जाने दूंगी, ठीक है? ट्यूशन 4 बजे ही जाएंगे आप, चले ना? नहीं फिर आप कब्रिस्तान नहीं जाएंगे अब बाबा के साथ, ठीक है? आप जाएं, आप 4 बजे जाएं या 2 बजे जाएं, लेकिन आपको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाना है। वो मैं दे दूंगी आपको, वो मसला नहीं है आपका। आप ये दरवाज़ा बंद करें और कपड़े चेंज करें, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलिए हम जा रहे हैं ट्यूशन, ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ, हैं? नहीं अरे चलो जी जा रहे हैं ट्यूशन, आज इनको ट्यूशन जल्दी लेके जाना है क्योंकि शाम में मुझे जल्दी। चलो 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 यहाँ से चलें, यहाँ से चलें रान बेटा, यहाँ से चलो। अच्छा वहाँ से डस्टबिन कचरे वाला खड़ा है, चल अच्छा देर हो रही है, वापस भी आना है। चलो अच्छा ये पहुँच गए ट्यूशन, चलो चलो आराम आराम से, हेयर स्टाइल सही कर रही हूँ आपका। चले हाँ हाँ लाइट है, मैं आपको दिखाती हूँ रोशनी, आप गिन ना जाओ सीढ़ियों पे से। चले सलाम करो, सलाम करो। मैं घर आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के ट्यूशन, और मदरसे वाली वजह से पूछ के आई हूँ तो वो कह रही हैं आज छुट्टी है मदरसे की, तो आज इनको मदरसे तो जाना नहीं होगा। मतलब ड्राइंग करिए, सलाम करो, सलाम। अच्छा ना सलाम तो कर लो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। अच्छा सी ड्राइंग, अभी चाची काम कर रही होंगी। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, नीचे जा रही हूँ, बस फातिहा के लिए टाइम तो नहीं हुआ लेकिन पढ़ने पढ़ाने का टाइम है, बस थोड़ा पढ़ते हैं और पढ़ के फिर अभी ये लोग कब्रिस्तान से आ जाएंगे तो फिर फातिहा होगी। फातिहा से पहले मैं सब सामान वगैरह ले जाऊँ नीचे, ये मुझे लेके जाना है ज़र्दा, ये देखें मेरा ज़र्दे की लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ज़र्दे की लुक। अभी इसको मिक्स करना है थोड़ा ऊपर नीचे करना है, तो बस फिर उसके ऊपर से मैं और गार्निशिंग करूँगी, तो फिर मैं सब मेवा ले जाऊँगी साथ में, और बाकी प्लेटें वगैरह बर्तन वगैरह जो मुझे नीचे लेके जाना है वो ले जाऊँगी। पहले लेके सामान लेके जाते हैं नीचे, रखते हैं दम वम पे। मम्मा यहाँ पे फूड काट रही है नियाज के लिए, और बस और कुछ नहीं, दादा के नियाज है आज, इनके 30वें के नियाज है, और आज इनके दादा के 3 बेटे हैं जिसमें से शकील हैं और बाकी 2 बेटे हैं 10वें 20वें की, उन्होंने दिलवा दी थी, तो इस दफ़ा मेरी ही, मैंने कहा मैं दिलवाऊँगी, तो एक एक करके 3 बेटे दिलवा रहे हैं 10वें 20वें 30वें की, और आगे 40वें के सब मिल के दिलवाएंगे। तो बस ये आज मेरी बारी है, तो मैं आज सजली अली सारे काम कर रही हूँ और आप लोगों को नज़र आ रही हूँ काम करते हुए, और बस अभी मैं यहाँ फ्रूट कटिंग कर रही हूँ, बस न्यास का टाइम होने वाला है कुछ ही देर में यहाँ मैंने फ्रूट कटिंग करना है जल्दी जल्दी, बस फूड कटिंग कर रही हूँ और फिर मैं नीचे लेके जाऊँगी। रयान सही है, ठीक है? जी कहाँ खाने का तैयारी हो चुकी है, और यहाँ हो गया सालन गरम, खाने का चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद, बहुत तेज़ गरम हो गया है, और यहाँ पे लगे हुए चावल दम पे मैंने रख दिए अभी से, वो ये वाला चूल्हा है, हल्की आंच पे चावलों को दम पे रखा हुआ है कि जब तक हम लोग खाएंगे ये थोड़ा गर्म हो जाएंगे और थोड़ा। अच्छा जी यहाँ पे हम ना खाना वाना खा के ऊपर आ चुकी हूँ, और मैं आई थी अपने काम से, मेरे पीछे आ गए बच्चे, उम्र खैर आई थी तो सारे बच्चे, ये देखें सब बच्चे आ गए ऊपर, आप तो ऊपर ही हो लेकिन वो देखें इन लोगों की शरारतें, ये मेरी नंद का बेटा, ये भी मेरी नंद का बेटा है, 2 आए हुए और 1 अभी गोद में उनकी, और बाकी ये तो हमारे घर के बच्चे थे, हमारे देवर की दोनों देवर के बच्चे हैं, और ये तो रयान और उम्र खैर हैं। चलो भाई बच्चों मैं नीचे जा रही हूँ, चलो हाँ ये हमारे अपने अपने बच्चे हैं, चलो आओ। अच्छा जी यहाँ सब बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते मेरे साथ पीछे पीछे आ गए, कह रहा है मेरा ब्लॉग बनाओ, ये अयान मुझे लेके आया है नीचे। तो भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छी लगा,
शहर न्याज जैसे न्याज हो रही है। हाँ माशाल्लाह यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने रूम में खाना खा के सब आराम करने के लिए। बच्चे तो सो भी गए हैं और बस शकील जाग रहे हैं, मैं सोने आई हूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाना है रयान को और मुझे बहुत नींद आ रही है। बस मुझे भी नींद आ रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड फैमिली फ्रेंड्स नंबर पर। और आज तक के लिए बस इतना ही। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।